देखिए आप ध्यान रखिए, देखिए आप एक एक करके बात कीजिए, देखिए प्लीज। अभी तो कुछ पता नहीं आ रहा, दवा कोई असर ही नहीं कर रही। न जाने सारे शहर को कैसी बीमारी लग गई है, ना ही इसका कोई कारण समझ में आता है और ना ही हम लोग इसका कोई इलाज ढूंढ पाए हैं। बस कैसे भी करके आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। आई एम सॉरी, इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सुनिए सुनिए, इलाज मिल गया है, अब और जाने नहीं जाएंगी। जे जे फार्मास्यूटिकल की गोली बेसिफॉर्म इस बीमारी का पूरा इलाज है। अरे भाई साहब, दवाई मिली क्या? हाँ मिली, लेकिन 100 रुपए की मिली है। अरे 100 रुपए की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बीवी की जान बचानी है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। हटिए भाई साहब, भाई साहब। डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, अगर शुक्रिया अदा करना है तो जे जे साहब क्या करो, उनकी दवाई सारे शहर के लिए मसीहा बनकर आई है। जे जे फार्मास्यूटिकल कंपनी ही नहीं, भगवान का एक रूप है। जे जे साहब ने इस शहर को मौत के मुंह से बचा लिया। आप जानती हैं, जब जे जे साहब को इस बात का पता चला कि उनकी दवा इस शहर में ब्लैक में बेची जा रही है, तो उन्होंने पूरा एक ट्रक दवा का भर कर इस शहर में भेज दिया, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हाँ, आज अगर जे जे साहब ना होते तो सारा शहर एक शमशान बन गया होता। बिल्कुल। जे जे साहब, जे जे साहब, जे जे साहब, जे जे साहब। दोस्तों, लोग मुझे सम्मानित करना चाहते हैं, मेरी पूजा करना चाहते हैं, मुझे हार पहनाना चाहते हैं, मेरे को बेवकूफ कहीं कहे। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यहां पर मारने वाला भी मैं हूं और बचाने वाला भी। हम ही ने शहर को बीमार किया और हम ही ने इसका इलाज किया। सच भैया, ये धंधा तो 2 नंबर के धंधे से भी ज्यादा फायदेमंद है। छोटे, जमाने को समझो छोटे, फायदा कमाना है तो डर बेचो डर, सबसे बड़ी मार्केट है डर। इसके सामने ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सिर्फ ग्राहक है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं इस देश का पहला करोड़पति भगवान बनना चाहता हूं, गॉड। ए, रुको 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 रुको। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ। भाई, जे जे साहब के ट्रक को कौन रोक सकता है? कौन है बे? जानता नहीं है किसकी गाड़ी है? अरे बोलता नहीं है, गुंगा है क्या साला? ए, ये जे जे की गाड़ी है, जे जे की, समझा क्या? निकाल यहां से, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। साहब, तुम खाली पीले अपन के दारू के टाइम का खोटी करता है। अरे छोड़ ना यार, साहब को तो आदत है पकड़ने का और छोड़ने का, है कि नहीं साहब? उठाओ साहब उठाओ,
देखो आप उनको छोड़ने का ऊपर से आर्डर आया होगा। उठाओ उठाओ। देख देख फोकट का नाटक, क्या फायदा साहब। देखो साहब हमारी वकील साहिबा भी आ गई हैं। अभी क्या मैडम को उठा के बाजू में रख दोगे? शट अप। आप रात के 11 बजे एक वकील के लिए वक्त खड़ी से नहीं काम से गिना जाता है। ये बेल के कागजात हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। किन्हें? आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। इन दोनों को यहाँ एक पल भी रखना गैर कानूनी होगा। अब सुबह आइए रिलीज ऑर्डर लेकर। मैंने नाइट जज से साइन करवा लिया है। प्लीज ऑफिसर। ये कागज कानून आप जानती हैं, आप किन की तरफदारी कर रही हैं? आई एम सॉरी ऑफिसर, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिएगा। जेजे कॉर्पोरेशन के खिलाफ इस केस में ना तो कोई सही गवाह है ना ही कोई ठोस सबूत, लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस केस को यहीं पे डिसमिस कर दिया जाए और इंस्पेक्टर सक्सेना को अपने काम में जोश से ज्यादा जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। आपको बहुत खुशी मिली होगी, एक मुजरिम और आजाद हो गया और जुर्म करने। आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, कोई मुजरिम है या नहीं इसका फैसला करने के लिए कानून है, अदालत है। आपका कानून, आपका कानून मुझ जैसों का हाथ बांधता है और मुजरिमों को छोड़ देता है। ओफो, केस डिसमिस हो चुके इंस्पेक्टर साहब, लेट इट गो। ओफो, कोई टैक्सी भी नहीं आती। आइए आपको घर भी छोड़ देता हूँ, कम ऑन। थैंक यू। बस एक मिनट गाड़ी रोकेगा। हॉर्लिक्स देना प्लीज। ये किसके लिए? ये बॉबी, मेरी प्यारी सी बेटी के लिए। बूस्ट बूस्ट देना प्लीज। ये किसके लिए? ये ये हमारे पति देव के लिए। क्या करें, उनको इसके बगैर रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा हाँ? बिल देना। अरे वाह, क्या चॉइस है। ये किसके लिए? मेरी पत्नी के लिए। ओ। कभी कभी वो गलत चॉइस कर बैठती है। अच्छा। पापा पापा कहानी सुनाइए ना। हाँ, एक था राजा एक थी रानी। राजा सच्चा था मगर अंधा था। उसका साथ देने के लिए रानी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आहिस्ता आहिस्ता बुरे लोगों ने सारी प्रजा को लूट लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो राजा ने रानी से कहा, मैं तो मजबूर था मगर तुम्हारी तो आंखें थी, तुमने क्यों नहीं देखा। बस दूसरी कहानी सुनाई ना पापा। अब तो चलो बॉबी दूध पियो। आप भी थक गए होंगे। मम्मी मुझे नींद आ रही है।
नींद आई बॉबी को। हाँ। चलो पापा को गुड नाइट करो। मैं इसे सुला कर आती हूँ। वाह जी वाह, आप तो अच्छी कहानी बुनने लगे। कहानी में मुझे तो अंधी बना दिया, लेकिन कहानी में आप नहीं थे, आप कहाँ थे? मेरे होने ना होने से कहानी बदल तो नहीं जाएगी ना? बदल जाएगी। पुलिस वाले पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अभी तक आप कोर्ट में हो? भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं, कितनी बार भूल जाऊं? किरण तुम जानती नहीं तुम किन लोगों की मदद कर रही। वही बात, मैं जेजे की वकील हूँ, जहाँ तक वो कानूनन सही है उन्हें मेरी काबिलियत पर पूरा अधिकार है, और ये उसूल मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ सकता। कानून कानून कानून, तुम सिर्फ कानून देखोगे, सही या गलत नहीं। जेजे जेजे जेजे, तुम सिर्फ जेजे को देखोगे, मुझे नहीं, इस जान को नहीं, सर रात को भी नहीं। ये ठंडी, प्लीज उस केस को भूल जाओ ना, मेरे पास आओ। आप कितने भी नाराज हो जाओ मुझसे, मेरा प्यार कम नहीं होगा।
सोई नहीं तो? कैसे सोती? आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, हम दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया। अच्छा पापा, आप जल्दी सो जाइए वरना कॉम्प्रोमाइज वेस्ट हो जाएगा। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठ के नॉवल पढ़ रही हो। चलो कैंटीन चले। अभी नहीं संजय, डैडी आने वाले हैं। डैडी? ये क्या मजाक है संजय? मैं संजय नहीं, मैं एक लाश हूँ। तुमने मुझे प्यार से देखा नहीं तो मैं मर गया। तुम मर गए तो मैं भी मर गई। पूजा, जब तुम ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अरे तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम मरते हैं। अब बातें बनाना छोड़ो, डैडी पहुंच गए होंगे। अरे भाई, तुम्हारे डैडी आईजी हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट, और हम लोग पब्लिक। अब पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के लिए थोड़ा तो वेट कर सकता ना, क्यों? सही कह रहे हो नहीं? ठीक है, मेरे डैडी को मैं मना लूंगी और अपने भैया को तुम मना लेना। भैया? अरे भैया आप कब आए? आप इस तरह हीरो बनकर घूमते रहो या कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी कर ले। पढ़ाई? अरे पूछे मत डैडी, टू मच पढ़ाई है। मेरी तो रातों की नींद तक लूट ली है इसने। सच? गुड। पर बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखना। सेहत? अब सेहत का क्या बताऊं भैया, मेरी तो भूख प्यास नींद चैन सब हवा में गायब हो गई है। लेकिन आपको ये तो याद है ना कि हमारी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है। डैडी आपका सपना पूरा करने के लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ। आपकी बेटी हूँ ना, कुछ कर दिखाऊंगी। क्या बात, तुम देखना एक दिन ये मेहनत और लगन ही रंग लाएगी। अरे भैया, ये मेहनत और लगन तो बड़ी छोटी सी चीज है। आप ये समझ लो कि मैं दिन रात सिर्फ पूजा ही पूजा करता रहता हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता दे। जी डैडी, जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगी। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना भैया। आप मुस्कुराते रहोगे तो मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। तू अपना ख्याल रखना। अच्छा। जेजे साहब हैं? हाँ हैं। ये लीजिए। ये क्या है? थैंक यू मेरी भाषा में। छोटे, लेडीज के साथ तमीज से बात करना सीखो। कल रात आपने हमारे आदमी को छुड़वाया, ये उसकी बख्शीश है। अपना काम करने की बख्शीश देकर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ले लो, रकम छोटी नहीं है। आई एम सॉरी मिसेस सक्सेना, आपका दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ऑल राइट। और कोई काम था आपको? वो हमारी नई ब्रूरीज के लिए हमें जो जमीन चाहिए थी उसका क्या हुआ? उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उस जमीन पर सालों से एक बस्ती बसी हुई है और वो प्लॉट रिजर्व कैटेगरी में आता है, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मिसेस सक्सेना, आप हमारा बिजनेस प्रिंसिपल अच्छी तरह से जानती हैं। जो काम मुश्किल हो वो दो मिनट के अंदर और जो काम नामुमकिन हो वो पांच मिनट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ। थैंक्स। कुछ लोगों को पैसों का मजा लूटना ही नहीं आता। नाइस लेग्स बट। संभल जा छोटे, तुम्हारे खर्चे और कारनामे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कम ऑन भैया, हमें किस बात की कमी है? बात कम ज्यादा की नहीं है, बात नजर में आने की है। ये दो नंबर का धंधा करना है तो पैसा कमाओ, नाम नहीं। ए, चलो। आपको लाइसेंस किसने दिया? आ,
प्रिया। प्रिया, ये सरोद की तरह दुखी सुर में क्यों बोल रहे हो? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? मेरा हाल नहीं पूछोगे क्या? तुम कैसी हो प्रिया? चलो घर चलकर बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ, ऊपर से मेरी जीप। एक कांस्टेबल इधर आओ। यस मैडम। जानते हो मैं कौन हूँ? यस मैडम। गुड, साहब की गाड़ी घर तक पहुँचा देना, इट्स माई ऑर्डर। ओके मैडम। चलो चलते हैं। अरे तुम्हारे पापा कैसे? अभी पता चल जाएगा, अपना सैल्यूट तैयार रखना। चलो आओ विजय। हेलो डैडी। हेलो बेटे। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे के लिए अंकल और विजय हुआ करते थे। हाँ बेटे, वो कुछ और ही वक्त था। मगर हम तो वही है ना पापा, है ना विजय? कभी कभी लोग नहीं बदलते, फिर भी सब कुछ बदल जाता है। हाँ तो इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, मेरे पास किसी काम के लिए आए हो? विजय को मैं खींच कर लाई हूँ पापा, सोचा था 5-6 कप चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। मिनिस्टर साहब ठीक कहते प्रिया, मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ा दूँ। नहीं बेटे नहीं, इंस्पेक्टर सक्सेना यहाँ से बाहर जाने के रास्ते तुमसे बेहतर जानते हैं। विजय को मैं किडनैप करके लाई थी पापा, और इनकी सेफ रिटर्न भी मेरी जिम्मेदारी है। चलो। हाय प्रिया। हाय अशोक, विजय, he is my brother. हेलो, नाइस मीटिंग। हेलो। चलो। पापा अभी अपने पुराने गुस्से को भूल नहीं पाए हैं, मगर तुम बुरा मत मानना। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, अगर यादें रखनी है तो अच्छी यादें रखना, स्माइल ऑलवेज। सच बताओ विजय, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? मुझे कोई शिकायत नहीं, और तुम? मैं खुश रहने को मैंने अपना पेशा बना लिया है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया। प्रिया, ऑलवेज बी हैप्पी, जो अपने आप से खुश है उसे कभी किसी से खुशी की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम तो हिम्मत वाली लड़की हो। मुझे याद है जब तुम्हें पहली बार देखा था। कैसा मौत का बच्चा है दाड़ियल, अकेली लड़की को देखकर बदतमीजी कर रहे हो? हाँ लड़की है, इतनी खूबसूरत और इतनी मॉड, तुम्हें तो एकदम मॉड पति मिलेगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब से मुझे एकदम हिंदुस्तानी पति चाहिए। जैसे? जैसे वो धोती कुर्ता पहनता हो। तुम्हारा मतलब इस लिबास में? बिल्कुल इसी तरह। चलो अब जो इनाम देना चाहती हो जल्दी से दे दो। पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए।
चलो जल्दी करो आ गया। धोती को फाड़ के रुमाल कर गई। आशिका देखो, आशिका देखो, आशिका देखो बुरा हाल कर गई। धोती को फाड़ के रुमाल कर गई, हाय हाय धोती को फाड़ के रुमाल कर गई। मिर्ची रे मिर्ची रे मिर्ची 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 हाय मिर्ची। अजी साहब जी, क्या नाम बताया उस इंस्पेक्टर का? विजय सक्सेना। हाँ विजय सक्सेना, एक काम कीजिए जी, इंस्पेक्टर विजय सक्सेना का फौरन ट्रांसफर कर दीजिए। बट वाय सर? कुछ लोगों को थोड़े फासले पर रखना ही अच्छा होता है, इसमें उनका भी भला है, समाज का भी भला है और हमारा भी भला है। ये क्या पापा, आपने विजय का ट्रांसफर करवा दिया और वो भी इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? विजय के ट्रांसफर की बात मुझे पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ी। हाँ बेटी, ये सच है कि मैंने विजय का ट्रांसफर कराया है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। एक बाप होने के नाते मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ एक शादीशुदा आदमी के हाथ में देकर अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं बेटी, बल्कि वो एक बच्चे का बाप भी है, उसने तेरे साथ धोखा किया है। प्रिया, क्या हुआ? विजय मुझे धोखा क्यों दिया? शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? बताओ बताओ, बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे पिताजी को पुलिस वाला दामाद पसंद नहीं था, इसलिए मेरा ट्रांसफर करके तुमसे दूर किया, उसके बाद ही मैंने शादी की। अब समझ में आया, ये सारा खेल मेरे पापा ने खेला है, अपनी बेटी के साथ ही पॉलिटिक्स प्ले किया। आई एम सॉरी विजय, मुझे माफ कर दो। तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं पागल हूँ, मैंने एक बार में ही अपना सारा प्यार खर्च कर दिया और फिर तुम जैसे रोज रोज कहाँ मिलते हैं? किस्मत, ऑलरेडी लॉस्ट इट। चलो कहाँ? घर, तुम्हारी बीबी और तुम्हारे बच्चे से मिलने। आज बहुत दिल कर रहा है किसी खुश नसीब से मिलने के लिए, चलो ना आओ। पापा। हेलो बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है, अगर हम दोनों की शादी होती ना तो शायद हमारी भी ऐसी ही बच्ची होती। क्या नाम है बेबी आपका? सुनिए, दैट्स माय वाइफ किरण। नमस्ते। शी इज सो ब्यूटीफुल। अब मैं समझी कि इसीलिए इस घर में मेरी याद तक नहीं आई होगी तुम्हें। कौन है ये? ये मैं बताती हूँ किरण, अगर दुनिया की सबसे खुशनसीब औरतों की लिस्ट बनाई जाए ना तो पहले नंबर पर तुम्हारा नाम होगा मिसेस किरण सक्सेना, और दूसरे नंबर पर मेरा, प्रिया कुमारी। तकदीर ने मेरे नाम में लिखे कुमारी को बहुत सीरियसली लिया, चाहा हम दोनों ने, आखिर विजय तुम्हें ही मिला। यू आर वेरी लकी किरण। किरण, ये अपने होम मिनिस्टर जी की बेटी है, कुछ दिनों के लिए आए हैं। कितने दिन रहेंगे? तुम कहो तो मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से। किरण मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ आप बीती दोहराने नहीं आई हूँ, तुम्हारी इस खुश मासूम दुनिया में तो पल सांस लेने आई हूँ बस। अगर मैं तुम्हें दुख दूंगी तो मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी। मेरा ये मतलब नहीं था, आपका यहाँ आना मेरे लिए इतना अचानक है कि आपने इनके बारे में पहले मुझे कभी बताया नहीं। ये डरपोक क्या बताएगा किरण, मुझसे पूछो। चलो किचन में जाकर चाय बनाकर थोड़ा मुंह मीठा करते हैं, चलो। पापा ये कौन सी आंटी है? बेटी ये आंटी नहीं है, ये हम सबका बाप है, और हमें शक है शायद दूसरी महाभारत यहीं से शुरू होगी। अगर ठीक जगह से डाली जाए तो सारे शहर को बीमार करने के लिए इतनी सी दवा काफी है, और इसका इलाज शहर के हर दुकान में इसे खाचा खच भर दो, लोगों को इसकी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। भैया वो कल रात जो ब्राउन शुगर का स्टॉक आया उसे बांटने के लिए भी आदमी चाहिए ना? ब्राउन शुगर का धंधा सिर्फ हमारे मिडनाइट क्लब से होगा, और हमारे हर आदमी को इस काम में लगा दो।
तुम? हाँ मैं। सॉरी क्या है कि इस नाइटी की वजह से तुम मुझे अपनी बीवी समझकर गलती कर बैठे ना, राइट? हाँ, ये नाइटी है ही इतनी खूबसूरत की मैं खुद को रोक नहीं पाई, तुम्हारी बीबी से ही पूछ कर पहनी है। यही सोच कर की किस्मत में तो तुम्हारी बीबी बनना लिखा नहीं, तो इसे पहनकर पल दो पल के लिए तुम्हारी बीबी बन जाऊं। झूठ मोटी सही, कभी कभी झूठ भी कितना हसीन लगता है ना। सॉरी किरण, वो क्या है कि ये नाइटी की वजह से गलती हो गई। गलती है तब तक ठीक है, अगर तुम दोनों इसे आगे बढ़ गए तो तुम दोनों की खैर नहीं। प्रिया तुम शादी क्यों नहीं कर लेती एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर? करूंगी दीदी, लेकिन एक शर्त पर, लड़का तुम ढूंढोगी और वो भी एकदम तुम्हारे पति जैसा, कार्बन कॉपी। मिल जाएगा जरूर मिल जाएगा, है ना? संजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं यहाँ लड़कों की एंट्री नहीं है, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, आउट, कम ऑन। पूजा तुम्हें एक्सरसाइज करता हुआ देखकर मेरा दिल गुलाटियाँ खाने लगता है, मेरा ब्लड प्रेशर अप डाउन होने लगता है और मेरी आंखें स्ट्रेच होकर तुम्हारे पास चली जाती है। अरे छोड़ना यार, मैं तो सिर्फ देख रहा था, कुछ कर थोड़ी रहा था। कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन, लेट्स डू इट अगेन। तेरी पतली कमर, तेरी बाली उमर, तेरी पतली कमर, अरे वाह अरे वाह, तेरी बाली उमर, अरे वाह अरे वाह, तेरी तिरछी नजर, अरे वाह अरे वाह, तारीफ है तेरी वाह रे वाह रे वाह वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह, तेरी पतली कमर, अरे वाह रे वाह, तेरी बाली उमर, अरे वाह रे वाह, नजर, अरे वाह रे वाह, तारीफ है तेरे वाह रे वाह रे वाह वाह रे वाह, जाएंगे वहाँ तू जो चले तो दिल खाए हिच गोले डोले सारा जहाँ, मुस्कुरा के देखे तू जो हले हले दिल बिछ जाएंगे वहाँ, हाय 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 रे हुस्न तेरा जैसे चढ़ता नशा, हाय रे हुस्न तेरा जैसे चढ़ता नशा, सारा पास तो आ तारीफ है तेरे वाह रे वाह रे वाह वाह रे वाह, लचक गोरी फिरक फिरक यूं फिरत फिरत नाचे नाचे मुरली की तान।
छेड़े कान गोपियों के तंग राधा नाचे चुम छन आ सुन ओ हसीना बिन तेरे मैं जीना अब तुझसे है जिंदगी दिलिए किसी को कभी तो तुम दोगी मुझ में है क्या कमी आए, आए, आए। सुन ओ हसीना बिन तेरे नहीं जीना अब तुझसे है जिंदगी दिलिए किसी को कभी तो तुम दोगी मुझ में है क्या कमी हाय हाय मासूम सनम तेरे आशिक हम मासूम सनम अरे वाह अरे वाह तेरे आशिक हम अरे वाह अरे वाह कर ले संगम अरे वाह अरे वाह तारीफ है तेरी बाहर बाहर वाह बाहर वाह अरे बाहर वाह तेरी पतली कमर अरे वाह अरे वाह तेरे बाली उमर अरे वाह अरे वाह तेरी तेरी सी नजर अरे वाह अरे वाह तारीफ है तेरी बाहर बाहर वाह बाहर वाह अरे बाहर वाह सर मैंने आपसे पहले ही कहा था लेकिन आपको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ इसलिए मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ सर आपकी बेटी और विजय सक्सेना का भाई एक दूसरे को I'm sorry, सर सर आप कहाँ और विजय सक्सेना कहाँ You can go. Yes, sir. जी सर आपने मुझे बुलाया सर इंस्पेक्टर विजय सक्सेना तुम जानते हो कि शहर में क्या हो रहा है शहर में सर हाँ इस शहर में यह शहर जिसे हम अपना घर कहते हैं तुम जानते हो क्या हो रहा है अपने घर में तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सिर्फ जे जे दिखता है तुम्हें वो छोटे लोग नहीं दिखते जो अपनी आंखें धूलकर आसमान को छूने की कोशिश करते हैं छोटे लोग मैं कुछ समझा नहीं सर समझोगे तब जब तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाओगे यू कैन गो गो कम ऑन जी आई सेड यू कैन गो मेरा बेटा मरा नहीं साहब मेरा बेटा मरा नहीं उसका खून हुआ है नशा देने वालों ने मेरे बेटे को मार डाला साहब मेरे बेटे को मार डाला देखो ये रोना धोना बंद करो तुम्हारे बेटे को किसी ने नहीं मारा तुम्हारा बेटा खुद मर गया है अगर इसी तरह पागलों की तरह हरकत करती रहोगी तो तुम्हें पागलखाने में बंद कर दूंगा साहब आप मुझे सुनते क्यों नहीं साहब मेरी बात मानिए उन लोगों ने मेरे बेटे का खून किया है मुझे बताइए क्या हुआ अब तो धीरज ही रखना है बेटा अब तो उन माओं को डर कर रहना चाहिए जिनके बच्चे अभी तक जिंदा है आपके बेटे को जिन्होंने शिकार बनाया आप उन्हें जानती हैं मिडनाइट क्लब के लोग हैं माँ जी आपके बेटे को तो मैं वापस नहीं ला सकता लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपके बेटे के खूनियों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा आप जाइए सुनो विजय तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है उस मां को देखने के बाद भी तुम कहते हो मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है आज के बाद मूनलाइट क्लब बंद भाई सुनो तुम जेजे के पास जाना और कहना कि रेड होने वाली है हाँ, समझे हाँ, तुम जाओ जी सब ठीक चल रहा है आइए इंस्पेक्टर साहब आइए आप भी जुआ खेलने आए हैं जी नहीं आपका यह खेल बंद करने आया हूं तुम यह खेल तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर you
भर्ती का फायदा उठाकर आप किसी मासूम नागरिक पर हाथ नहीं उठा सकते। ये मासूम नहीं है वकील साहबा, ये मासूम नहीं है। होश में आइए इंस्पेक्टर साहब, हर आदमी तब तक निर्दोष होता है जब तक अदालत उसे मुजरिम करार नहीं देती। क्या आपके पास इस जगह को रेड करने का ऑर्डर है? हाँ है, ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर मुझे किसी अफसर या जज ने नहीं दिया। इस जगह को बर्बाद करने के लिए ये ऑर्डर मुझे मेरे जमीन ने दिया है, उस माँ ने दिया है जिसका जवान बेटा यहाँ बहकर जिंदा लाश बन गया, उस भारतवासी ने दिया है। आप इस वक्त शब्दों से खेल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास सर्च वारंट है? मैडम, वैसे तो हम पर किसी का कोई जोर चलता नहीं है, पर अगर इंस्पेक्टर साहब इस मिडनाइट क्लब की तलाशी लेना चाहें तो शौक से ले सकते हैं। यू आर वेलकम। या आई विल बी वेलकम। आज की बाजी तुम्हारी है बच्चे, लेकिन एक दिन यहाँ जो जो होता है उस पर से पर्दा फास करके रहूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ शराब बिकती है, नाच गाना होता है, तो इन सब चीजों का लाइसेंस आप ही की सरकार ने मेरे क्लाइंट को दिया है। मिडनाइट क्लब गैर कानूनी नहीं है, ये क्लब चलाकर मेरा क्लाइंट कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। आप ठीक कहती हैं वकील साहबा, यहाँ कानून नहीं इंसान टूटते हैं, लेकिन इससे आपके कानून को क्या है ना? तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारे पति से, अपने आप को समझता क्या है? मेरे पास लाइसेंस है, परमिट है, उसके बावजूद जम्मू उड़ाता है, छापे मारता रहता है। चुप हूं मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना जिस तरह बकरी की खाल उतारते हैं ना, उसी तरह उसकी वर्दी उतार देता। लेकिन अब मैडम, अब मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं, उसका ट्रांसफर करवा कर ही रहूंगा मैं। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने फर्ज के खातिर कर रहे हैं। अगर उन्हें शक है कि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तो आप पर छापे मारने का उन्हें पूरा हक है। आप बेकसूर हैं तो आपकी वकील होने के नाते मैं आपको बचाऊंगी, लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तो मैं क्या, भगवान भी आपको बचा नहीं पाएगा। भैया, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटे, काय को फिक्र करता है? मैं इस वकील साहिबा की वो हालत करूंगा कि अपने जिस पति की ये इतनी तारीफ करती है, उसको अपना ये चांदा चेहरा ही नहीं दिखा सकेगी। डोंट वरी, ओके, रिलैक्स। बेटे इधर आओ। क्या है पापा? बेटे ये गलत चीज है, लेकिन कानूनी से गलत साबित नहीं कर सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है, लेकिन मैं तुमसे अपने आप को बर्बाद करने का हक छीन नहीं सकता। पापा ये खाने की चीज है। ये तुम्हें भी खा सकती है, चक्कर देखोगी। ये लो। पागल तो नहीं हो गए? अपनी बेटी की बारी आई तो इतना गुस्सा आ गया। हाँ? मतलब? दुनिया में इसे खाकर कितने लोग मर रहे हैं, कभी तुमने सोचा है? इसका कारण कौन है तुम जानती हो? कौन? जे जे। ये कहाँ मिली तुम्हें? मिडनाइट क्लब में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या फायदा? क्या ब्राउन शुगर की एक थैली ये साबित कर सकती है कि मिडनाइट क्लब में इसका धंधा होता है? अदालत में ये भी तो दावा किया जा सकता है कि ये थैली क्लब के किसी ग्राहक की जेब से मिली है ना? यू नो द गेम किरण, तुम बहुत बार ये गेम खेल चुकी हो,
लेकिन किरण, ये पैकेट न जाने कितने जवान लाशों को निगल चुकी है और आगे भी कितने निगल जाएगी, लेकिन फिर भी जेजे इसे बेचने से नहीं डरेगा क्योंकि तुमने उसका डर दूर किया है। ये क्या है? ब्राउन शुगर, फर्स्ट क्वालिटी। मुझे पहले पता होता आप शौक फरमाते हैं तो साल भर की सप्लाई में आपके घर पहुंचा देता। शट अप, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। टेक इट इजी मिसेस सक्सेना, लेट्स बी सिविलाइज्ड। जिंदगी कितनी भी हरामजादी क्यों ना हो, हमें अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। मिस्टर जेजे, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, क्या आपके क्लब में ड्रग्स का धंधा होता है? ऑफ कोर्स मिसेस सक्सेना, अब वक्त आ गया कि हम आपको जेजे कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बना दें। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम एज अ डायरेक्टर। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो जेजे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारी कानूनी तोप होने के नाते पहले से ही बिक चुकी। ये झूठ है, मैंने किसी गैर कानूनी काम में आपका साथ नहीं दिया और न दूंगी। बेशक, बल्कि आपने हमारे हर काले धंधे को कानूनी चोला पहनाकर दुनिया की नजरों से ढका है। क्या? आपको यकीन नहीं हो रहा ना मिसेस सक्सेना कि आप किन किन कारनामों में हमारी भागीदार है। आइए हम आपको दिखाते हैं। दिस वे प्लीज, आइए आइए। ये सब क्या है? ये हमारी बनाई हुई दवाइयां हैं, मेडिसिन। आइए किरण, जब जब यह शहर बीमार होता है हमारी ये दवाइयां काम आती हैं। और जानते हो शहर को बीमार कौन करता है? कौन? जे, यानी कि हम। बीमार भी हम करते हैं और इलाज भी हमारी कंपनी की दवाइयां करती हैं। और प्रॉफिट होता है 1 to 100। ये टेस्ट ट्यूब देख रही हैं आप, इसमें कैद वायरस को अगर मैं शहर के दूध में आजाद कर दूं तो जानती हो क्या होगा? जेजे फार्मास्यूटिकल्स की एक और दवा बेस्ट सेलर बन जाएगी। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मिसेस किरण, मेरे आड़े आना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए। वकील साहिबा, हैरान हो गई आप, आगे तो सुनिए कि हम इसके अलावा और क्या क्या धंधे करते हैं, जैसे हवाला, करेंसी, लैंड स्कैम, स्टॉक मार्केटिंग की मैनिपुलेशन, यू नेम इट एंड वी डू ऑल द बिजनेस। अब क्या है मिसेस सक्सेना, इन धंधों के अंदर काले पैसे का ढेर इस्तेमाल होता है। अब इस काले पैसे को वाइट दिखाने के लिए जे कॉरपोरेशन। इसका मतलब इतने दिनों तक मैं अंधेरे में थी? लेकिन मेरे काले धंधों पे एक लीगल ऑफिशियल जे कॉरपोरेशन की मोहर लगी हुई है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तुम्हारी असलियत मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी जेजे। कोशिश भी मत करना मिसेस सक्सेना, मेरी वकील होने के नाते शक का साया तुम पर भी पड़ेगा और तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे हर बदनामी मंजूर है। कुछ नहीं होगा, मैं अकेला नहीं हूँ, इस मुल्क की बड़ी बड़ी महान हस्तियां मेरे साथ हैं। इतना भी घमंड मत कर जेजे, क्योंकि मेरा देश इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसे मौका परस्त कीड़े और तुम्हारी फैलाई इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक भी न सके। भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार की जड़ ढूंढने जाओगी तो खोदते खोदते देश की बुनियाद मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मिसेस सक्सेना, असली बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचार इस देश के अंदर एक बीमारी नहीं बल्कि एक धंधा है। धंधा, इट्स अ बिजनेस जो सबके लिए फायदेमंद है, और इस देश का अक्लमंद आदमी इस फायदेमंद धंधे को कभी बंद नहीं होने देगा। मैं बंद करवाऊंगी, मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छिपे हर काले मुजरिम को सरेआम नंगा करके फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी। अब मेरा कानून तुम्हारी ढाल नहीं, इंसाफ की तलवार बनेगा। तो जल्दी कीजिए मैडम, वक्त बीता जा रहा है, हमें तुम्हारी वतन परस्ती का बेचैनी से इंतजार रहेगा। प्लीज। भैया आपने ये क्या किया, सारे राज खोलकर उसे जाने दिया,
तुम्हें और बिगाड़ने के लिए इस वकील साहिबा की पहले तुम इज्जत लूटो, फिर इसके जिस्म के चीथड़े चीथड़े कर दो छोटे। ठीक है भैया। ए! ये क्या बदतमीजी है? आज तक कहता आया हूँ, अब देख भी लूंगा। नहीं किरण, आज के बाद हमारी इस छोटी सी दुनिया में कोई आंसू नहीं बहाएगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे एक काम करना है। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें मिलकर। सर प्लीज मेरी बात मानिए, दूध की सप्लाई को रोक दीजिए, वो दूध नहीं जहर है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मुझे सबूत चाहिए। एक गुस्से में बहके पति का बेबुनियाद शक नहीं। सर सारा शहर जानता है कि जेजे ने तुम्हारी बीवी को नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका बदला लेने के लिए तुम पुलिस मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर अब मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे सबूत चाहिए। आई वॉन्ट प्रूफ। सर इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कल जब दूध पीते बच्चों की लाशों के ढेर होंगे तब हम क्या जवाब देंगे? इंस्पेक्टर सक्सेना यू कैन गो। सर प्लीज आप पब्लिक को अलर्ट करवा दीजिए। I said you can go. विजय सक्सेना। देखा मिस्टर विजय सक्सेना, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, फिर भी दुनिया के सामने तुम एक छोटे से मासूम से बच्चे नजर आते हो। मजा आया ना मिस्टर विजय सक्सेना? जे जे, तूने एक सोते शेर को जगाया है। ये शेर चीतों को रहने दो विजय सक्सेना, जगाना है तो अपने अंदर के चौकीदार को जगाओ। खतरा भी टला नहीं है, तू क्या समझता बेवकूफ? मैं तुझसे कह रहा हूं इडियट,
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जीजे। अरे तूने मुझे पकड़ा ही कहाँ है जो नहीं छोड़ेगा। मेरी एक और बात अच्छी तरह से सुन ले। अगर एक ऐसी चाल चली है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा शहर मेरे घुटनों पे होगा, रोक सकता है तो रोक ले, बाद में पछताना ना पड़े। हाँ ठीक है विजय सक्सेना, अब मजा आएगा विजय। बोल तुम लोगों को किसने भेजा है? जे साहब, जे साहब, जे जे। अदालत में पेश किए गए गवाह और सबूत जाहिर करते हैं कि जेजे कॉरपोरेशन के काम करने के तौर तरीके ना तो कानूनी है ना ही जायज है। इसके अलावा कई बेनाम कंपनियां और खाते नजर में आए हैं जो जेजे कॉरपोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये अदालत जेजे कॉरपोरेशन को एक हफ्ते की मोहलत देती है अपने सही खाते, बेनामी सौदों का हिसाब और अपनी सफाई अदालत में पेश करने के लिए। इस बीच जेजे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और उनके गोदामों से बरामद किया गया माल अदालत के कब्जे में रहेंगे। थैंक यू बेटा। देखा मम्मी, पूरे दो घंटे से कपड़े पहनकर तैयार बैठे हैं। पापा है कि आने का नाम ही नहीं लेते। आले आले नालाज नहीं होते बेटे, पापा भी आते होंगे। हम जानते हैं वो नहीं आएंगे, पहले भी तीन बार प्रॉमिस करके हमें पिकनिक पे नहीं लेके गए। इस बार भी नहीं लेके जाएंगे, पापा झूठे हैं, हम उनसे बात नहीं करते। चलो 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 चलो, आज बॉबी आपसे बात नहीं करेगी। क्यों? आप लेट आए। तंग आ गया हूँ यहाँ की ट्रैफिक से, इतनी गाड़ियाँ, इतने सिग्नल्स, कोई इंसान तो वक्त पर घर पहुंच ही नहीं सकता। चलो अभी सामान गाड़ी पे रखते हैं। चलो चलो। अच्छा बाबा, मैंने कान पकड़ लिया, आज के बाद कभी देर से घर नहीं आऊंगा। एक, दो, Thank you.
सुन मेरी जान जाना है दिन बड़ा सुहाना, सुन मेरी जान जाना है दिन बड़ा सुहाना, ये प्यार का तराना संग मेरे तुम भी गाना। सुन मेरी जान जाना है दिन बड़ा सुहाना, सुन मेरी जान जाना है दिन बड़ा सुहाना, ये प्यार का तराना संग मेरे तुम भी गाना। सुन मेरी जान जाना है दिन बड़ा सुहाना, ये प्यार का तराना संग मेरे तुम भी गाना। ना चॉकलेट खिलाना, ना आइसक्रीम लाना, ना चॉकलेट खिलाना, बस खाली हाथ आना, करना नया बहाना। मम्मी आना, इधर आना, ए दिलों को क्या समझाना। सुन मेरी गोलगप्पा कहता है तेरा पप्पा, सुन मेरी गोलगप्पा कहता है तेरा पप्पा, जो मांगो भी मिलेगा वादा है अपना पक्का। गुड़िया गुस्सा छोड़ो छोड़ो, पप्पा मैं जाऊंगा दिल ना तोड़ो। सुन मेरी जान जाना है दिन बड़ा सुहाना, ये प्यार का तराना संग मेरे तुम भी गाना। लाया जी लाया मैडम, बोलो चॉकलेट किधर है। हेलो जी ये लो मैडम, अरे आइसक्रीम किधर है। लो वो भी खा लो मैडम। ओ मेरी गुड़िया रानी तू है बड़ी सयानी, ओ मेरी गुड़िया रानी तू है बड़ी सयानी, मम्मी की जान है तू, तू मेरी जिंदगानी।
डॉक्टर साहब। मिसेस सक्सेना, मिसेस सक्सेना अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? हमने उनकी आवाज वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो बोल नहीं पाएंगी। हिम्मत रखिए आप। संजय तुम बॉबी को लेकर घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है भैया, चलो बॉबी। वो हरामजादी अभी तक जिंदा है हॉस्पिटल में। हमें इतना दुख पहुंचाने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है? अरे उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो, जाओ सीधा अस्पताल जाओ, किल देम ऑल। ठीक है भैया। Excuse me, doctor. Yes, please. How is Mrs. Saxena? Mrs. Saxena is all right. लेकिन अब वो बात नहीं कर सकती हैं। उनका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है। इस समय वो ऑब्जर्वेशन में है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? Sorry, sir. मिलकर हमें बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं डॉक्टर लेकर आता हूं।
बताओ विजय सक्सेना, अब तो और भी हिसाब चुकाना बाकी है। मैं अब ऐसी चाल चलूंगा कि ये धरती कांप उठेगी। आप लोग जल्दी बात कर लीजिए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। छोटू भैया, भैया ये ले, भैया ये ले जल्दी। अरे आराम से छोटू, छोटे इतना मारा तेरे को, इतना मारा, तेरे एक एक जख्म के बदले मैं खून की नदियां बहा दूंगा छोटे, खून की नदियां बहा दूंगा। भैया मुझे ऐसे बाहर निकालो। पर थोड़ा वक्त और छोटू, वो खुद इंस्पेक्टर तेरे को बाहर तक छोड़ने आएगा छोटे, वो खुद तुझे छोड़ने आएगा, बस थोड़ा सा वक्त और। जय साहब आप जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। खतरे में तुम नहीं, अब खतरे में दुश्मनों की जिंदगी पड़ जाएगी। तुमने तो डरा ही दिया यार, क्या बात है? संजय बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल के आई हूँ, डैडी मेरी शादी होम मिनिस्टर के बेटे के साथ करना चाहते हैं। पूजा जब तक मैं जिंदा हूँ ना अपने प्यार को मरने नहीं दूंगा। पर उन्होंने मेरी मंगनी की तारीख भी पक्की कर दी है। घबराओ मत पूजा, तुम्हारे डैडी के सामने मैं तुम्हें अपनाऊंगा। वैसे मंगनी की तारीख क्या है? 12 तारीख उस मिनिस्टर के बेटे की आजी की बिटिया के साथ सगाई की रस्म होगी। बताई हो इतने बड़े फंक्शन में बड़े बड़े लोग होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वहां पर हमारा जाना भी बहुत जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं जज साहब? बदला जब मंत्रियों के साथ साथ वो मिनिस्टर भी हमारी मुट्ठी में होगा तब दुनिया को जेजे की ताकत का एहसास होगा। मगर हमारा वहां जाना नामुमकिन होगा क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जेड क्लास की होगी। जेजे के प्लान के सामने बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी भी नाकाम हो जाती है। नहीं प्रिया मैं कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब मेरे भाई की मंगनी पर भी नहीं आओगे? वो बात नहीं है प्रिया, मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही कह रही हूँ। विजय आखिर तुम कब तक इस तरह उदास रहोगे? हेलो बॉबी, तुम चाहो तो बॉबी को ले जा सकती हो। तुम आओगे मेरे साथ? चलूंगा। मर गया, रुको रुको रुको, मैं मर गया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या कोल्ड ड्रिंक है हवलदार साहब? बेशक चेक कर लीजिए। चेक करो। ठीक है जाओ। सिक्योरिटी का साला इंतजाम हो गया ना? यस सर। वो जो डांस पार्टी आने वाली थी आ गई? वो तो कब के आ गए सर? गुड गुड। प्लीज आप नमस्ते। कैसे? दिवाली साहब आइए आइए सर, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत मुबारक। आइए तशरीफ रखिए। नमस्कार। नमस्ते। बैठो। नमस्ते। पूजा कहाँ है? बेटी पूजा अपने कमरे में है। ठीक है मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। दिवाली साहब सगाई की रस्म से पहले मैंने आप लोगों का दिल बहलाने के लिए कार्यक्रम रखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जरूर, खुशी का मौका है, जश्न तो होना ही चाहिए। थैंक यू सर, मैं भी आता।
पूजा संजय मैं जानती थी तुम जरूर आओगे पूजा आज हमारे प्यार का इम्तिहान है यहाँ पर जितने लोग जमा हैं सारे इस शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं हमारे प्यार से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं संजय हाँ पूजा लेकिन इस सच्चाई को उन पर खोलने के लिए हमें आज एक नाटक करना पड़ेगा दिल ये बोले रे टमक टम टमा डम दिल हले हले डोले रे टमक टम टमा डम तेरे प्यार में दिल ये बोले रे टमक टम टमा डम दिल हले हले डोले रे टमक टम टमा डम अरे यही तो है नमकीन अदा दिल मेरा जिस पे हुआ फिदा आजा आजा प्यार की बातें कर ले दम टमा डम तेरे प्यार में दिल ये बोले रे टमक टम टमा डम तेरे प्यार में दिल ये बोले रे टमक डम डमा डम कितनी भली भली बागों में जैसे कली कली बसते वे चर्चे गली गली अरे बोल कहा तो चली 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 तेरी बातें कितनी भली भली मिस्री की जैसे गली गली है नजरें जब से मिली मिली दुनिया लगती है खिली 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 अरे यही है वो मासूम अदा दिल मेरा जिस पे हुआ फिदा आजा आजा प्यार की बातें कर ले दम दमा दम तेरे प्यार में दिल ये बोले रे डमक डम डमा डम दिल हले हले डोले रे डमक डम डमा डम तुझको ही दिया दिया मैंने प्यार तुझसे किया किया क्यों धड़के तेरा जिया जिया एक बार तो कह दे पिया 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 तूने जादू ऐसा किया किया दिल मेरा तूने लिया लिया जाए ना तुझ बिन जिया जिया दिल तुझे पुकारे पिया 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 अरे यही तो है कम सिन वादा दिल मेरा जिस पे हुआ फिदा आजा आजा प्यार की बातें कर ले दम दमा दम तेरे प्यार में दिल ये बोले रे डमक डम डमा डम दिल हले हले डोले रे डमक डम डमा डम अरे यही तो है वो तेरी अदा दिल मेरा जिस पे हुआ फिदा आजा आजा प्यार की बातें कर ले डम डमा डम तेरे प्यार में दिल ये बोले रे डमक डम डमा डम दिल हले हले डोले रे डमक डम डमा डम डमक डम डमा डम बंदर चला
हथियार फेंको अपने, फेंको हथियार फेंक दो। पूजा यहां आओ। लेकिन सर, सर वहां झाड़ी में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, इसे बाहर निकालो। संजय, संजय हनी, जल्दी से पानी ले आओ। भैया संजय क्या हुआ तुम्हें? भैया लोग, कौन थे वो लोग बोल? पता नहीं भैया, सब लोग बेहोश, सबको उठा कर ले गए, प्रिया और बॉबी को भी। कौन थे बोलो सजाए, कौन थे? पता नहीं भैया, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। चलो चले चले। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सब लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग मेरे मेहमान हैं। अगर मैं ये कहूंगा तो झूठ बोल रहा हूँ। आप सब लोगों को मैंने किडनैप किया है, बंदी बनाया है। अगर ये भी कहूंगा तो झूठ कहूंगा। तो सच क्या है? सच यह है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और आप लोग मेरा सामान हैं। आप लोगों के जरिए मुझे करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला है। जे जे, तू अपनी इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होगा। शट अप, तुम्हारे यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहां पर सिर्फ जे जे का हुक्म चलता है। जे जे का ले जाओ इन सबको। जाने मन, अरे मर जाऊं पान खा के। यहां पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, सब कुछ। ले जाओ इनको, अब पुलिस को पता चलेगा जे जे का शॉक ट्रीटमेंट। जेजे साहब, ये बत्ती की रोशनी इतनी तेज है कि यहां से 2 किलोमीटर तक भी कोई आदमी जाएगा तो पकड़ा जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। जेजे साहब, मैंने चारों तरफ बम लगा दिए। आप इस रिमोट से अगर यहां से बटन दबाएंगे तो कहीं भी ब्लास्ट होगा। मतलब कि मैं यहां से बटन ऐसे दबाऊं? और ये ब्लास्ट हुआ। फैंटास्टिक।
लवली सिक्योरिटी. थैंक यू सर, वेरी हैप्पी. मिस्टर विजय कुमार सक्सेना. एक मिनट. यस यस, बोलने की आदत को जारी रखोगे तो जिंदगी में खुश रहोगे. वरना शहर की छोटी छोटी महान हस्तियां जैसे कि मिनिस्टर्स, आईजी और पुलिस जो मेरे कब्जे में हैं, इन सब की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा. तुम चाहते क्या हो? 100 करोड़ कैश और मेरे छोटे भाई की रिहाई. तुम पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हो गया हूँ. और एक बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम बात को बढ़ाकर फोन को ट्रेस करना चाहते हो. ऑल द बेस्ट यू. लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरी मांग पूरी नहीं की गई तो इन सब की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा और एक एक करके सबकी लाश तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा मैं. हटाओ. आप फोन कहां से आए? सर हम फोन ट्रेस नहीं कर पाए. नो नेवा, हम कभी भी किसी ब्लैकमेलर की डिमांड के सामने झुक नहीं सकते. मुजरिमों से सौदा करना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है. ये ऑर्डर सेंटर से आया है. लेकिन सर फिर भी आप सोच लीजिए, जेजे बहुत खतरनाक आदमी है. I don't care. जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो हमारे डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है उसका जवाब देना, ना कि उसके साथ सौदा करना. आई वॉन्ट एन इमीडिएट एक्शन प्लान. एक्सक्यूज मी सर. सर अगर आप इजाजत दें तो. हेलो हेलो, जीजी साहब को बता दो, कमिश्नर साहब ने सौदा करने से साफ इनकार कर दिया है. ठीक है. हेलो हेलो कमिश्नर. यस जेजे. व्हाट जेजे, तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? मेरी मांग का क्या हुआ? जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा. ज्यादा होशियारी नहीं, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ. तुम्हारी सरकार से 100 करोड़ का लोन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. और सुनो, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेरी अब मांग पूरी नहीं हुई तो इसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने होगा. कमिश्नर हटाओ. पुलिस डिपार्टमेंट को बच्चों का खेल समझता है. उसे नहीं मालूम कि जब उससे भी बड़ी बड़ी हस्तियों ने हमारे सामने सर उठाया तो हमने आसानी से उनका सर कुचल दिया है. उसे पुलिस की पावर का अंदाजा नहीं है. ये क्या हुआ? हाउलर यहाँ आओ, बॉडी को नीचे उतारो. अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है. हैं? गले में वीडियो कैसेट. अभी तो हमने एक जज को ही मारा है और अगर पुलिस फोर्स भेजने की होशियारी की तो याद रहे इस जगह के चारों तरफ बॉम्ब बिछे हुए हैं और रिमोट मेरे हाथ में. अगर खैरियत चाहते हो तो 100 करोड़ रुपया और मेरे भाई को मेरे हवाले कर दो. आगे का हाल देखो प्लीज. सारा खेल उसके हाथ में है, अब कुछ नहीं हो सकता. सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूं. इंस्पेक्टर. यस सर. सर पूरा फोर्स भेजने से कोई फायदा नहीं, यह एक अकेला आदमी का काम है. क्या मतलब? सर जेजे ने इस वक्त हमारे हर कदम पर नजर रखी है. पूरा फोर्स भेजने से
जे.जे. बॉम्ब से सभी आदमियों की जाने ले सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इस काम के लिए अब मुझे परमिशन दें। लेकिन विजय, इसमें बहुत खतरा है। कितना खतरा है सर? इस वर्दी पहनने वालों के लिए फर्ज की कोई सीमा नहीं होती, फिर हम खतरे की दीवार बनने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? और आप जानते हैं सर, यही हमारा एक चांस है। प्लीज सर। ओके विजय, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं संजय, ये काम मेरा है। लेकिन भैया प्लीज। जीवा तुम आ गए? हाँ, जे.जे. साहब ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेजे हैं। ला लो, जल्दी करो जल्दी करो, ला। अब ये बताओ कि कमिश्नर पैसे लेने के लिए राजी होगा कि नहीं? समझो तुम्हारा काम हो गया, पर एक बात याद रखना, इस तरह खुलेआम मिलना हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी देख। इंस्पेक्टर भाई, oh!
वो रुपए तुमको किसने दिया और क्यों दिया? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है कि जीजे के साथ तुम लोगों का क्या संबंध है। तुम लोगों ने इस भर्ती के साथ धोखा किया है। बता, जेजे ने उन लोगों को कहां छुपा के रखा है? बोल। बताता हूं जेजे ने उनको ओल्ड पैलेस में कैद करके रखा है। शायद किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि ये जो तुम खेल खेल रहे हो, ये खेल बच्चों का नहीं है। शिवा जी, तुम इतनी देर से इसको मार रहे हो, इधर देखो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। या तो ये बहुत बहादुर है या बहुत बड़ा बेवकूफ है। मुझे आसाद करके देख, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मैं जानता हूं तुम विजय सक्सेना के छोटे भाई हो। इस वक्त उसकी कमजोरी हमारी ताकत हो, इससे थोड़ा सा और मारो। ले जाओ इसे, कमरे में बंद कर दो। जीजे साहब, हमें अपनी हिफाजत के लिए और गोला बारूद और हथियारों की जरूरत है। इसका इंतजाम मैं पहले से कर चुका हूँ जी। तो मैं काम करो, जैसा हम लोगों ने सोचा था उसी हिसाब से मेहमानों को अलग अलग कमरे में ठहरा दो। ओके। एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अलग अलग रहेंगे, हमारा अगला कदम क्या है उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। ओके सर। ए, ले जाओ इनको, और तुम लोग इनको ले जाके अलग रख दो। सबको आई जी, आवाज नहीं। बलू, ले जाओ आई जी साहब को, चलो पता चल जाएगा कि कहां ले जा रहे हैं। चलो चलो भाई, तुम भी चलो। राणा, ले जाओ इस लड़की को। कहां ले जा रहे हो? अभी बताता हूं। नहीं, नहीं, मैं ले जाओ इस मिनिस्टर को भी। बच्ची को अकेले यहां क्यों रखा? हमारी मर्जी, बाद में बताते हैं कि लड़की का क्या करना है। जाओ। मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स। मिस्टर शेजे, वे हैव सप्लाइड योर वेपन्स, व्हाट अबाउट आवर एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट? तुम लोगों ने आर्म्स की सप्लाई करके मेरी ताकत को और मजबूत कर दिया है। रहा सवाल मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का, आज तुम लोगों के सामने मैं एक ऐसा एंटरटेनमेंट पेश करूंगा जो आप लोगों ने ना कभी देखा होगा और ना सुना होगा। नहीं, मैं कभी नहीं नाचूंगी। तुम चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे, अगर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तो मेरे मेहमानों का क्या होगा? हाँ, इसके टुकड़े देखकर शायद उनको मजा आ जाए। नहीं, इसे कुछ मत करो। अरे, तुम्हारी आंटी को तो सुनकर मजा आ रहा है। जरा सोचो, जब इस नन्नी मुन्नी जान की गर्दन पर छुरी चलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता खून के कतरे बहेंगे, तो कितना मजा आएगा। चलो बेटे, चल। नहीं, इसे कुछ मत करो, इसे कुछ मत करो। देखा बेटा,
तुम्हारी आंटी हमारे इशारे पर कितना अच्छा नाचती है। तैयार होकर जल्दी से आ जा। That was the song of the evening, the Indian beauty, the Indian queen. Now let's have food to eat, dinner. Bobby, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ ना? Thank you.
Thank you.
आइए सर। संजय जल्दी चलिए। जी सब जिन लोगों को कैदी बना के रखा था वो सब भाग गए सर। भाग कर जाएंगे कहाँ? ये है ना हमारे पास अलादीन का चिराग, तमाशा देखो। हेलो कंट्रोल वन सर लगता है कुछ गड़बड़ है। वो बच्चे कहाँ है? कमरे में बंद है। जब तक वो बच्ची हमारे कब्जे में, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ढूंढो उनको। Thank you.
मुझे मेरा 100 करोड़ चाहिए, मेरे छोटे भाई की रिहाई चाहिए, वरना इसका गला इसके धड़ से अलग कर दूंगा मैं। Yeah!
भैया। विजय। सर। मुझे सर मत कहो विजय, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, माफी मांगना चाहता हूं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मेरे अंधे गुरूर की सजा अपने आप को और बॉबी को मत दो। विजय, मेरी बेटी का हाथ थाम लो। विजय, कुछ साल पहले मैंने दो दिलों को अलग किया था, आज एक पापी को उसके पापों का प्रायश्चित करने का मौका नहीं दोगे। विजय, हम बड़े तो खुशियों से मुंह मोड़कर तन्हाई से समझौता कर सकते हैं, लेकिन बॉबी को तो एक मां की जरूरत है। विजय, जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं भी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई संजय से करना चाहता हूं।